गिरिडीह में शिक्षक दिवस पर सोमवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। न्यू समाहरणालय के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक नीलम आइलिन टोप्पो और एडीपीओ अभिनव समेत कई शिक्षक शामिल हुए। मौके पर डीसी ने कहा कि शिक्षकों से एक संपूर्ण समाज का निर्माण होता है। बगैर शिक्षक के एक बेहतर समाज की परिकल्पना संभव नहीं, लेकिन यह भी सच है कि आज शिक्षकों को विषम परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने के कारण शिक्षकों को कुछ परेशानी उठानी पड़ती है। मौके पर शिक्षा विभाग की ओर से डीसी ने राज्य योजना अंतर्गत जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के 14 शिक्षकों को डमी चेक के साथ प्रशस्ति पत्र देकर और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। शिक्षा विभाग की ओर से जिन 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, उनमें विनोद कुमार, राजेंद्र प्रसाद, संजय कुमार, शिशिर कुमार, विनोद यादव, प्रदीप राय, उत्तम कुमार, रंजीत विश्वकर्मा, मार्शेला हेम्ब्रम, परमानंद महतो, छोटूलाल मुर्मू, कमल किशोर महतो, पप्पू कुमार और सखीलाल किस्को शामिल हैं। सम्मान समारोह में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से और जो हमारे तमाम जो शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, हम लोगों ने उनको यही बताया कि विषम परिस्थिति में चूँकि हम लोग इस तंत्र में काम कर रहे होते हैं और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य की कई बार अतिरिक्त कार्य भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को आपसी सामंजस्य से सभी कार्यों को सुचारू ढंग से कर दिया जाता है। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।